हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है फेमस इंडियन ब्लॉगर चैनल। तो आज बहुत एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज 26 दिसंबर को मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा एक कार्य शुरू कराया, जैसे कि वीर बाल दिवस छोटे साहबजादों के नाम पर एक पिछले साल एक दिन रखा था छोटे साहबजादों पे, जिस दिन हर साल छोटे साहबजादों के लिए एक एक श्रद्धांजलि को पेट भेंट किया जाएगा। पहले कोई इतिहास में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, तो मोदी जी ने पिछले साल ये डेट रखी 26 दिसंबर को, जो कि वीर बाल दिवस के नाम पर अपना एक श्रद्धांजलि भेंट की जाएगी। वीर बाल दिवस मतलब ये होता है कि इस दिन छोटे साहबजादों का जो ये हफ्ता है, ये छोटे साहबजादों ने और माता गुजरी जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता थी उनकी शहीदियाँ हुई थी, तो ये बहुत ही जो हफ्ता है सिखों के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक हफ्ता है। तो अब हम जो पहुँचे हुए हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। आज 26 दिसंबर है, तो ये देखो एक बार आप व्यू देखो सामने, इतना रश है फिलहाल। हम पहुँच भी टाइम से गए थे, बट जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे ऑलरेडी वो सुबह पहले पहुँच गए होंगे, तो ये रश देख लो एक बार, बहुत रश हो रखा है। तो पिछले पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया, तो एक तो ये मोदी जी को मतलब थैंक यू नहीं बोल सकते क्योंकि ये इनका कार्य था। अगर आप अपने देश में ये इतिहास नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा, क्योंकि आप तो प्रधानमंत्री हो, तो ये इतिहास दिखाना बहुत ज़रूरी था आजकल के बच्चों को, आजकल की जो पीढ़ी है। तो ये मेरे हिसाब से अकेले सिखों के बच्चे नहीं होने चाहिए, ये पूरे दिल्ली या पूरे देश के बच्चे होने चाहिए और इतिहास दिखाना चाहिए सबको कि हमारे देश में छोटे साहबजादे और जो गुरुओं ने क्या बलिदान दिया। आज कहा जाता है या आप बोल सकते हैं कि अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते और उनका परिवार ना होता तो ये देश देश ना होता, इसका नाम जो है भारत हिंदुस्तान जो बोलते हैं वो ना होता। तो ये गुरु गोविंद सिंह ही हैं और उनके जो बच्चे उनकी परिवार गुरु तेग बहादुर जी, ये उनकी शहादतों से आज हम ये दिन देख रहे हैं, जो इतना हम आराम से देश में रह रहे हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है। तो आप देखिए एक बार यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने आना है, तो अभी कार्य चल रहा है, अभी कीर्तन हो रहा है इस टाइम, ये देखो आप। तो अभी जो स्कूल के बच्चे हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर जी आए नहीं हैं, तो जब आएंगे तो आपको वो ज़रूर हम दृश्य दिखाएंगे। तो ये आप स्कूल देख सकते हैं एक बार, ये सारे टीचर्स वगैरह सब आए हुए हैं, टीचर प्रोफेसर वगैरह जितने भी होते हैं स्कूलों के, गुरु हरकृष्ण स्कूल, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल जो एमपुर कॉलोनी हो गया, कालका जी हो गया, करोल बाग हो गया और इंडिया गेट, ये सारे इस टाइम फ़िलहाल यहाँ स्कूल के बच्चे पहुँचे हुए हैं और उनके पेरेंट्स। इस टाइम तुम सुन सकते हो कि अपने इतिहास बारे दसदे पे ने, तो यह बहुत अच्छी गल है कि अज के जनरेशन अपने इतिहास बारे छोटे साहबजाद बारे दसया जा रहा है, तो यह बहुत ही अच्छी गल तुम कह सकते हो, क्योंकि पहले इस तो पहला कभी भी किसी ने अज तो पहला ट्राई नहीं किया कि साहबजाद का इतिहास या माता गुजरी जी का या अपने जो परिवार विछोड़ा होया सारा इतिहास कभी नहीं दसया गया। तो अज मैं मान सकता अज बहुत ही अच्छा दिन है, अच्छा दिन कह सकते हो कि इतिहास दसया जा रहा है। वैसे तो यह शहीदी हफ्ता है, तो देख लो तुम सारे इस टाइम नज़र आ रहे हैं स्कूलों के बच्चे, यह हर गोबिंद इनकलेव के बच्चे ने सारे जो नज़र आ रहे हैं, इतने हेमकुंड कलोनी के बैठे हुए हैं GHPS, तो इस टाइम देखो कितनी पब्लिक रश कितना होया पाया, क्योंकि जगह भी नहीं रह गई है, तो ऑलरेडी सारा फुल हो चुका है। ते पहली बार है कि प्रोग्राम किया जा रहा है, तो ता करके थोड़ी जी इतने सीट की प्रॉब्लम आ रही है बैठने की, फर्स्ट टाइम है, होप करते हैं कि अगली बार तो कोई भी एवं की प्रॉब्लम नहीं आएगी सीटिंग से, तो इस तो ज़्यादा वड्डा एरिया सिलेक्ट किया जाएगा ताकि सारे ही बच्चे और जिन्नी दिल्ली की संगत है सारी आ सके। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं अभी जो ये व्लॉग देख रहे हैं,
तो इसके बाद हमने डायरेक्ट फतेहगढ़ साहब और सरहिंद के लिए निकलना है, तो पूरा सरहिंद का जो हम पूरा वहाँ पर सफ़र आपको दिखाएंगे, तो हमारे अगले वाले जो ब्लॉग्स आने वाले हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक ब्लॉग होने वाले हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें चैनल के साथ, ताकि आप सारा इतिहास अपने घर बैठे जो जा नहीं सके हैं वो आराम से देख सकें। तो हम फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे उधर जाएंगे, खंडा बुर्ज दिखाएंगे आपको, सारा इतिहास से जानी करवाएंगे, तो आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। ऐतिहासिक आयोजन है जो देश में पहली बार हो रहा है और ये सिलसिले की शुरुआत है, ये पहला कार्यक्रम है इस रूप में। माननीय प्रधानमंत्री, अभी हमने पंजाब के सीएम भगवंत मान जी को भी दिखा था, हम पंजाब के जो सीएम है मिला था वो शायद उत्थे भी जानगे नहीं जानगे, फतेहगढ़ साहब भी जान गई, जो इतने आए हैं तो उत्थे भी जाने जरूर बनता है उन्होंने। तो एक चीज़ होर है कि वीर बाल दिवस थोड़ा जहा टॉपिक छिड़िया हुआ है कि वीर बाल दिवस को वीर बाल दिवस नाम जो थोड़ा सा चेंज कर दें, और बात जो प्रबंधक कमेटियाँ वगैरह हैं उनमें बात चल रही है ये कि वीर बाल दिवस के नाम को चेंज करके या तो शहीदी दिवस या कुछ ऐसे नाम से रखा जाए, ताकि शहीदों को प्रॉपर एक नाम मिल सके कि इस नाम से जाना जाए। वीर बाल दिवस से कोई पता नहीं लगता, तो या तो छोटे साहिबजादे शहीदी दिवस रखा जाए। तो ये मेरा अपना एक व्यू है, सही है कि गलत है वो ये पता नहीं, बाकी अगर किसी को पता लगेगा तो इससे लगेगा, छोटे साहिबजादे शहीदी दिवस। तो ये देखो एक बार शायद आने वाले हैं वहाँ से पता लगेगा, ये देखो वो देखो एंट्री होने वाली है अपने भारत के पीएम की। तो आप ये सुन सकते हैं मोदी जी आ गए हैं, तो ये उनके स्वागत में देखो बच्चे जो स्कूल के हैं वो मतलब काफ़ी खुश हो चुके हैं, ये देखो आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं, तो अब ये जो स्पीच रहने वाली है वो नरेंद्र मोदी जी की वो बहुत ही ऐतिहासिक रहने वाली है, तो आप ज़रूर सुनना है कि क्या स्पीच आने वाली है। इसके बाद डायरेक्ट स्पीच ही आएगी जो आप ज़रूर देखना और सुनना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि इस वीडियो को आगे तक पहुंचा सको, शेयर करो ज़रूर। तो ये आप देख सकते हैं कि अब पंडाल से तो एंट्री हो गई है। दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिसंबर 1704 में जालिम मुगल सूबेदार वजीर खान द्वारा साहिबजादों और माता गुजरी को अत्यंत ठंड में ठंडे बुर्ज में कैद करके अनेकों तसीहे दिए गए। छोटे साहिबजादों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें कचहरी में पेश किया गया, उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए, मौत के डरावे और लालच दिए गए।
लेकिन फिर भी जब साहिबजादों ने अपने धर्म में पक्के रहते हुए इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया तो सूबाए सरहिंद नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को जिंदा नींबों में चुनवा कर शहीद कर दिया था। सरहिंद में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब आज भी जालिम मुगल हुकूमत के अत्याचार और साहिबजादों की बहादुरी की गाथा बयां कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी भारतवर्ष में श्रद्धा और भावना से मनाया था। ये भी पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा साहिबजादों के दादाजी नौवे बादशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उसी लाल किले पर मनाया गया जिस लाल किले से गुरु जी की शहादत का फरमान सुनाया गया था। सबसे पहले मंच पर आसीन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय कैबिनेट के मेंबर, एसजीपीसी दिल्ली के प्रधान और आज छोटे साहबजादों को नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए जितने भी लोग आए हैं और पूरी दुनिया में यहाँ भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसी कुर्बानी की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। यहाँ पर 9 साल और 7 साल के साहबजादों ने ईन नहीं मानी, हार नहीं मानी, बहुत जुल्म किए गए, लालच दिए गए। उन्होंने कहा दशमेश पिता के लाल हैं और वो साहिबे कमाल हैं। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, पूरी दुनिया से आज लोग चलकर फतेहगढ़ साहब आ रहे हैं, जहां भी वो हैं वहां गुरुद्वारा साहब में जा रहे हैं। एक बात मैं कहनी चाहूंगा, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, जब दीवार में चिने जा रहे थे छोटे साहबजादे, तो प्रधानमंत्री जी जब दीवार घुटनों तक आई तो घुटने थोड़ा आगे रहते हैं, ईंट को तोड़ना पड़ना था, ईंट पर हथौड़ा चलाना था। इतना जालिम था सूबा सरहंद, बोला ईंट पर हथौड़ा नहीं चलेगा, चारों घुटने छील लो, चारों घुटने हथौड़े से छील दिए गए, निकाल दिए गए। इतना जुल्म हुआ, फिर भी बोले सोनिहाल के जयकारे। बाबा जोरावर सिंह जी की आंखों में पानी आ गया तो छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह जी ने बड़े भाई से पूछा, भाई साहब क्या डर लग रहा है मौत से, आंखों में पानी है? तो बाबा जोरावर सिंह जी ने कहा फतेह मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, ये आंखों में पानी तेरे बारे में सोच के आ रहा है, तू दुनिया में आया मेरे बाद था, जाएगा मेरे से पहले, क्योंकि उनका कद छोटा था, गर्दन तक दीवार पहले छोटे साहबजादों के पहुंचती थी। ऐसी कुर्बानी, और इसको इस पूरे महीने को वैसे तो शोक के तौर पे मनाया जाता है। आज यहां मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं आपका भाई हूं और इस कुर्बानी को और भी दुनिया तक पहुंचाना है, आने वाली जनरेशन को भी बताना है। राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, विभिन्न सम्मानित संस्थाओं के चेयरमैन और दूसरे डिप्लोमेट्स, विशेष रूप से इस कार्यक्रम के साथ आए हुए बालक बालिकाएं, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जन, आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है, जिस दिन को, जिस बलिदान को,
हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। ते हुन तुसी सारे ने सुनी होएगी जो असी स्पीच तुहानू सुनाई सी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सी, ते तुसी सीएम जिहड़े पंजाब दे सीएम है भगवंत मान जी की स्पीच सुनी, ते असी हुन फिलहाल जिहड़ा है शो कवर कर लिया, ते तुसी ए पिछे देख सकते हो ए सारे साहिबजादियां या सिख हिस्टरी दे बारे पूरा लिखा गया है, पूरी जानकारी दिती गई है। ते ए देखो जिवें लिखा है माता जी अते छोटे साहिबजादे पिंड खेड़ी गंगू रसोईए दे घर, ते सारी स्टोरियां हैगियां कि रसोईया जिहड़ा गंगू रसोईया सी उहदा की सीगा सीन, ते मतलब हरेक चीज़ लिखी गई है, पूरा इतिहास लिखा गया। ते असी जिहड़ा ए प्रोग्राम अटेंड किया, ते बहुत ही मतलब ए प्रधानमंत्री जिहड़े नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ही अच्छा कार्य किया कि तुसी ए तुसी पूरे देश च दस रहे हो कि साडा इतिहास है, जो कि बहुत पहले दस देना चाहिए सीगा, ए थोड़ा लेट हो गया दसन च, अगर काफ़ी पहले दस देंदे तो अज की चेंज होना सी और रब नूं पता है कि की चेंज होना सी। चलो जिन्नी जल्दी होया जिन्ना लेट होया जो भी देख सकते, पर इतिहास शो करता है, तो होप है पूरे ही दिल्ली च या हर एक जगह च इतिहास शो हो जाना चाहिए, बाकी स्कूलों भी हो जाना चाहिए। तो बाकी जरा हूँ असी अगे जा रहे हैं, हूँ सरहद वाल निकल रहे हैं, फतेहगढ़ साहब वाल निकल रहे हैं, तो उत्थे जाके तुहानूं पूरा इतिहास पूरा डिटेल च दसांगे की इतिहास कित्थे कित्थे की होया। तो हुण असीं चलन लगे फतेहगढ़ साहब सरहंद, तो साडा जिहड़ा नैक्सट वलॉग है सारी पूरी सीरीज़ रहने वाली है जो असीं गुरु घर जा रहे हैं उत्थे, तो जरूर देखियो साडे नाल जुड़े रहो, तो चैनल नूं सबसक्राइब करो तां कि तुहानूं अगले नोटिफिकेशन मिलते रहन, तो बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिओ। तो चलो हुण असीं चलते हैं फतेहगढ़ साहब। ओके, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।